दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 1 जनवरी से 31 मार्च तक साल की पहली तिमाही के लिए 6 ड्राई डे की घोषणा कर दी है। एक्साइज कमिश्नर की मंजूरी के बाद इसके आदेश जारी किए गए। आदेश के मुताबिक दिल्ली में इस महीने 26 जनवरी और 24 फरवरी ड्राई डे रहेगा। वहीं मार्च में 4 ड्राई डे हैं जिस दिन दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली के लिए ड्राई डे की घोषणा कर दी है। सरकार के आबकारी विभाग ने 1 जनवरी से 31 मार्च तक साल की पहली तिमाही के लिए 6 ड्राई डे की घोषणा की है। जनवरी से लेकर मार्च तक दिल्ली में 6 ड्राई डे होंगे जिस दिन शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। एक्साइज कमिश्नर की मंजूरी के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है। सरकार के आदेश के अनुसार दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को ड्राई डे रहेगा। उसके अगले महीने 24 फरवरी यानी कि संत रविदास जयंती को भी ड्राई डे की घोषणा की गई है। वहीं मार्च के महीने इस साल 4 ड्राई डे रहेंगे। 6 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, उसके बाद 8 मार्च को महाशिवरात्रि, 25 मार्च को होली और 29 मार्च को गुड फ्राइडे के दिन भी ड्राई डे ही रहेगा। यानी कि मार्च के महीने में चाइल्ड ड्राई डे है जिस दिन दिल्ली में शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहने वाली हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से कई बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि 22 जनवरी को भी ड्राई डे घोषित किया जाए, क्योंकि इस दिन अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं आया है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार हर 3 महीने में ड्राई डे को लेकर लिस्ट जारी करती है। सरकार की तरफ से साल 2024 की पहली तिमाही के लिए ड्राई डे की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सरकार ने गणतंत्र दिवस और प्रमुख त्योहारों के कारण 26 जनवरी से 29 मार्च के बीच 6 ड्राई डे घोषित किए हैं। 6 ड्राई दिनों में से 4 मार्च में है। 24 फरवरी को गुरु रविदास की जयंती, 8 मार्च को महाशिवरात्रि, 25 मार्च को होली और 29 मार्च को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा, जिसके चलते दिल्ली में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।